शुरू होता हुआ दोनों ही सलामी बल्लेबाज सुनील नेगी और रोशन मैदान की ओर अग्रसर होते हुए अतिथियों का, क्रिकेट प्रेमियों का, अपने दर्शकों का, क्षेत्रीय जनता का और मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन महाकाली युवा क्रिकेट समिति की ओर से, अपने मंच की ओर से। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं आपके सहयोग के लिए। अंकित चले और इस बार जोरदार स्टोर लो रन के क्षेत्र में एक रन चुराया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट मैं कहूंगा। एक गेंद और दो रन सुनील के द्वारा अपनी टीम के लिए। अंकित चले सुनील के लिए जोरदार प्रहार सीमा रेखा के बाहर, छह रनों के लिए सुनील के बल्ले से लाजवाब छक्का मैं कहूंगा। सुपर ओवर का मुकाबला चलता हुआ बराबरी पर रोक दिया था ब्रॉन्ज पानी की टीम को मंगरू खाल की टीम ने, तो टीम का उछलता हुआ रन स्कोर सुपर ओवर में 8 रन और डॉट बॉल कराने में कामयाब अंकित एमके क्लब मंगरू खाल के गेंदबाज। सुपर ओवर का मुकाबला मात्र 2 विकेट आउट करनी होंगी। अंकित चले सुनील के लिए और इस बार ठंड बन के क्षेत्र में गेंद गई, रन लेना चाहते थे मना किया वहां पर। तो सुनील खब्बू बल्लेबाज हैं, ब्रांस पानी के टीम कैप्टन भी हैं, जाने जाते हैं जोरदार हिट्स के लिए और फिर से आठ रन अभी भी ब्रांसवानी का सुपर ओवर का उछलता हुआ रन स्कोर। सुपर ओवर का मुकाबला पहला सेमीफाइनल मुकाबला और इस बार ठंड रन के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील किया जाता गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, तो 12 रन ब्रांस पानी का उछलता हुआ रन स्कोर सुपर ओवर में। सुपर ओवर में एमके क्लब मंगरू खाल के लिए देखना होगा कि कौन सी टीम विनर होती है इस पहले कसमकस सेमीफाइनल मुकाबले में। पहला मैच जिसमें 83 रन एमके क्लब मंगरू खाल ने बनाए थे और 83 रन पर ही ब्रांस पानी को उन्होंने रोक दिया था। उसके बाद सुपर ओवर का मुकाबला चलता हुआ जिसमें सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी की ब्रांस पानी की टीम ने, सुनील ने शानदार 1 छक्का और 1 चौका और 2 सिंगल रनों के साथ 12 रन सुपर ओवर में अपनी टीम के लिए स्कोर किया है, जबकि 13 रन सुपर ओवर में एमके क्लब मंगरू खाल के प्लेयर्स को जीत के लिए बनाने होंगे। लाजवाब मुकाबला चलता हुआ रोचक मुकाबला, दोनों ही प्रबल दावेदार एमके क्लब मंगरू खाल और ब्रांस पानी की टीम। तो सलामी बल्लेबाज के रूप में
सुपर ओवर में अंके कला मंगरू खाल की ओर से अंकित और राहुल आए हैं मैदान में। जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी टीम कैप्टन सुनील ने खुद ली है बुरासवानी के लिए। जसवंत सिंह रावत के सचिव निरंतर उनका सहयोग हमारे साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारा और सभी क्रिकेट प्रेमियों का हौसला अफजाई करते हुए बेहतरीन मुकाबला बताते हुए हमें कि कसमकस मुकाबला दोनों ही टीमों के मध्य पहला सेमीफाइनल मुकाबला। राहुल सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुनील नेगी का और बेहतरीन गेंद डॉट बॉल कराने में कामयाब बुरासवानी के टीम कैप्टन 13 रन बनाने जीत के लिए 5 गेंदों में। और फिर से डॉट बॉल कराने में कामयाब तो लाजवाब गेंदबाजी मैं कहूंगा सुपर ओवर में टीम कैप्टन सुनील के द्वारा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कुछ भी हो सकता है जैसे कि आपने अभी अभी देखा बराबरी पर बुरासवानी की टीम को रोक दिया था अंके कला मंगरू खाल ने 84 रन बनाने थे जीत के लिए लेकिन 83 पर ही रोका और जोरदार प्रहार सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का राहुल के बल्ले से अपनी टीम अंके क्लब मंगरू खाल के लिए। तो 6 रन से खाता खोला सुपर ओवर में राहुल ने 2 डॉट बॉल जरूर खाई थी पहले। एक बार फिर से सुनील तलवार लाजवाब सीमा रेखा के बाहर शॉर्ट कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए राहुल के बल्ले से। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है अंके क्लब के राहुल बेहतरीन प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करते हुए सुपर ओवर में। दो गेंदे और 1 रन जीत के लिए अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। एक बॉल और 1 रन जीत के लिए स्कोर लेवल कर लिया है। अभी भी मंगरू खाल की टीम ने भी लेवल कर लिया स्कोर को 2 छक्कों की बदौलत। सुनील चले रमल गांव की ओर से राउंड विकेट आए हैं और हल्के हाथ से खेला इस तरीके से आज का ये मुकाबला पहला सेमीफाइनल मुकाबला अंके क्लब मंगरू खाल ने अपने नाम कर लिया है 1 सिंगल के साथ। काफी खुश नजर आते हुए अंके क्लब मंगरू खाल के प्लेयर्स सुपर ओवर का मुकाबला हुआ था। आपको बता दें कि पहले बैटिंग करते हुए मंगरू खाल ने बनाए थे 83 रन का लक्ष्य और 84 रन जीत के लिए बुरासवानी को बनाने थे जिसमें मंगरू खाल ने ठीक 83 रन पर बुरासवानी की टीम को रोक लिया था। उसके बाद सुपर ओवर का ये मुकाबला हुआ 1-1 ओवर का जिसमें बुरासवानी की टीम ने पहले बल्लेबाजी की सुपर ओवर में और 12 रन बनाए 1 ओवर की समाप्ति के बाद। उसके बाद मंगरू खाल के सलामी बल्लेबाज राहुल और अंकित मैदान पर आए। राहुल ने स्ट्राइक ली 2 डॉट बॉले खाई पहले उसके बाद 2 बैक टू बैक सिक्सेज मारी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और शॉर्ट कवर के क्षेत्र में उसके बाद 1 सिंगल रन चुराया और 1 आसान सी जीत अर्जित की। तो कंग्रेचुलेशन मैं कहूंगा अंके क्लब मंगरू खाल के लिए।